लक्ष्य का निर्धारण। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। 50% लोग लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, और उन 50 में से मैं और आप भी हूँ। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं, तभी कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्य का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि रात को 2 बजे विषय का रिवीजन करूँगा, पर जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो आधे घंटे में ही मन उबने लगता है और मैं अपने लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इस कहानी में मैं बताऊंगा आपको, जिसे सुनकर आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं। यह कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है, जिसके हर वाक्य में गहरी शिक्षा छिपी हुई है, और खास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे सुनकर आप अपने लक्ष्य को दोगुने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा देती है। तो इस कहानी का मजा लीजिए और एक गहरी सांस के साथ इसे सुनिए। इस कहानी का शीर्षक है लक्ष्य का निर्धारण। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज की शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने गुस्सा जताते हुए कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहें क्या होता है। वह दिन आ गया जब सबको मिलना था। राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट भोजन पकवान बनवा दिए। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही लोग सुरा सुंदरी के चक्कर में रह गए, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए, और शाम का समय बीतने लगा। पर इन सभी के बीच एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने किसी चीज की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसके मन में एक इच्छा थी कि उसे राजा से मिलना ही है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, है बालक, कहां जा रहा है? पर वह रुकने वाला नहीं था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मार कर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जिसे किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम मेरे ही उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य के साथ आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाए रखी। यह शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है, ठीक उसी व्यक्ति की तरह। जिंदगी खेल भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको प्रतिदिन सिर्फ यह करना है, नंबर 1, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, जिससे कि उसे पूरा करने में आसानी हो,
मैं भी यही करता हूँ। जैसे कि मैं रात को 2 घंटा पढ़ूंगा, इसके बजाय मैं शाम को 1 घंटा पढ़ लेता हूँ और रात को बचा हुआ फिर 1 घंटा पढ़ लेता हूँ। दूसरा, अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद उस पर टिक लगा दें। और तीसरा, जितना भी काम हुआ हो उसे नोट करें और 3 दिन ऐसा ही करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता की दर पहले से 2 गुनी हो गई है।